एक बार फिर से स्वागत है आपका। ये इनबॉक्स वीडियो है, तो इसमें पहला मैसेज हम लेते हैं। और पहला मैसेज आया है कौन हूँ मैं इस वीडियो पर, जिसमें मैंने अपने बारे में थोड़ा सा आपको बताया है। और इस वीडियो पर मैसेज लिखने वाले हैं मरगब शेख, और आपने मैसेज लिखा है सर एंड्रॉयड डेवलपमेंट और पाइथन डेवलपमेंट के ट्यूटोरियल्स पर वीडियो बनाइए। माफ़ी चाहूँगा मरगब कि मेरा जो फील्ड है यानी मेरा जो सब्जेक्ट है वो एंड्रॉयड डेवलपमेंट या पाइथन डेवलपमेंट नहीं है, तो अभी तो मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता कि मैं आपको इस पर वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा पाऊंगा कि नहीं। पर मेरे कुछ मित्र हैं जो कि पाइथन डेवलपमेंट पर वीडियोस बना रहे हैं, तो अभी तो उन्होंने यूट्यूब चैनल नया नया बनाया है, तो अभी ज़्यादा वीडियोस नहीं है वहाँ पर, तो कुछ वो वीडियो पोस्ट कर लें, उसके बाद मैं आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचा दूँगा कि आप उनका वीडियो देख सकते हैं। तब तक के लिए, जब तक और भी यूट्यूब चैनल से आप समझ सकते हैं पाइथन की, और इस पर मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा अभी। और अगला मैसेज हम लेते हैं। अगला मैसेज आया है टावर ऑफ हनोई विद रिकर्सिव फंक्शन इस वीडियो पर, और इस वीडियो पर मैसेज लिखने वाले हैं सुब्रा ज्योति साहा। आपने लिखा है थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको सुब्रा ज्योति कि आपने इस वीडियो को देखा, प्यार दिया अपना, आपने मैसेज लिखा, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अगला मैसेज हम लेते हैं, और अगला मैसेज आया है व्हाट आर असेंबलर इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर्स इस वीडियो पर, और इस वीडियो पर मैसेज लिखने वाले हैं देव तिप्त्य साहा, अगर मैं सही नाम आपका बोल रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा अगर मैंने आपका नाम ठीक से नहीं लिया तो। और आपने मैसेज लिखा है सर मेरा एक क्वेश्चन था कि पहले जो सब टाइपराइटर थे वो भी क्या मशीन लैंग्वेज ही समझते थे क्या? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं था। जो टाइपराइटर थे वो तो सिर्फ वहाँ पर इम्प्रेशन दिया जाता था उसकी का, और वो सीधा कार्बन को यूज़ करते हुए पेपर पर प्रिंट हो जाया करता था। तो टाइप मशीन जो थी टाइपराइटर्स, वो मशीन लैंग्वेज को नहीं समझते थे। मशीन लैंग्वेज का जो रोल है वो कंप्यूटर के लिए है, जबकि टाइपराइटर का मशीन लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं है, वो एक अलग टाइप की डिवाइस है और उसका इस मशीन लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं है। तो मेरे विचार से आपकी क्वेरी का मैंने आंसर दे दिया है, पर फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आंसर करने की। और आप सभी से मैं यह रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ना हो हमें ऐडा या डेटा स्ट्रक्चर, पढ़ना हो हमें ऐडा या डेटा स्ट्रक्चर, समझना हो हमें एल्गम या फंडामेंटल, समझना हो हमें एल्गो या फंडामेंटल, बस एक नाम याद रहेगा डॉक्टर कपिल गोविल। जावा CISE बात हमारे बस की, जावा CISE बात हमारे बस की, बस हमको सर्च है करना डॉक्टर कपिल गोविल। सब्सक्राइब चैनल डॉक्टर कपिल गोविल, यूट्यूब चैनल डॉक्टर कपिल गोविल।